एक्ट्रेसेस की दुनिया वक्त के साथ बदल जाती है, लेकिन अपनी मर्जी से जब कोई एक्ट्रेस अपनी ही दुनिया चार दीवारी के अंदर बंद करके रखे तो सवाल तो उठता है। आज हम यहाँ पर 65 वर्षीय अभिनेत्री योगिता बाली की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं योगिता बाली एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने वाकई में वक्त के साथ अपने जिंदगी में ऐसा बदलाव किया है कि लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। एक जमाने की डॉल जैसी खूबसूरत दिखने वाली योगिता बाली इतनी बदल जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। आज मैं आप सभी के बीच तृप्ति एक बफेट लेकर आई हूँ ये बेहद खास प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में हम बात करेंगे योगिता बाली की जिंदगी के बारे में, योगिता बाली की करियर के बारे में। वक्त बदलता है, बदलते वक्त के साथ सितारे भी बदलते हैं। योगिता बाली की जिंदगी भी वक्त के साथ बदलती चली जा रही है और बदलते वक्त के साथ योगिता अपनी जिंदगी में कैसे और भी ज्यादा सिमट गई है और घर के अंदर, ये तो आप शायद जानकर खुद हैरान होंगी। जरा देखिए अपनी फेवरेट एक्ट्रेस योगिता को, बॉलीवुड की शानदार सुपरस्टार रहे मिथुन चक्रवर्ती की वो पत्नी जो हुस्न से जादू चलाती थी, आज कैसे किस हाल में रह रही है, देखिए रिपोर्ट। वेल, आज हम आप सभी के बीच राज खोलने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट एक जमाने की रही अदाकाराओं में शामिल रही, यहाँ पर आप सभी के बीच एक सुपर हिट अभिनेत्री के बारे में, और उन्होंने सबके दिलों पर राज किया। वेल, मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी है वो, नाम है उनका योगिता बाली। वैसे तो मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली ने सबके दिलों पर वाकई में बेहतरीन तरीके से राज किया है, लेकिन जब बात हो रही है उनकी तो हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में अब ये ज़रूर बताना चाहेंगे, मिथुन चक्रवर्ती की शादी योगिता बाली से साल 1979 में हुई और तब से ये दोनों साथ हैं। हाँ, बीच में मिथुन की शादी श्रीदेवी के साथ हो गई थी साल 1985 और साल 1988 के बीच उन्होंने श्रीदेवी संग शादी कर ली थी, ये भी कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम आपको बताना चाहेंगे मिथुन की ज़िंदगी से योगिता कभी दूर नहीं गई, और यही सच है कि योगिता बाली अगर आज वो चार दीवारी के अंदर कैद रहती हैं तो वजह इसकी एक ही है कि वो कई तरह की मुसीबतों का सामना कर चुकी है। योगिता बाली भी कॉन्ट्रोवर्सी में काफ़ी रही है दोस्तों। जी हाँ, एक ज़माने की टॉप एक्ट्रेस योगिता बाली खूबसूरती की मिसाल, चांद सा सूरत उनका खूबसूरत और उनके खूबसूरत मुखड़े पर करोड़ों लोग थे दीवाने, उनकी मुस्कान पर लोग थे दीवाने। इतनी सुंदर दिखने वाली एक्ट्रेस का दिल आया था मिथुन पर, लेकिन इससे पहले उन्होंने दिल दिया था किशोर कुमार को। किशोर संग उनकी शादी लंबे समय तक नहीं चली और फिर मिथुन चक्रवर्ती की दीवानी हुई, योगिता ने उन्हें ही अपना जीवन साथी मान लिया। इतनी खूबसूरत दिखने वाली योगिता बाली की अगर बात की जाए तो वाकई में आज आप देख रहे होंगे योगिता बाली जो कि श्रीदेवी और मिथुन के रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान रही, कैसा बुढ़ापे में उनका हाल हो गया है। वेल वेल वेल, वाकई में योगिता बाली के बुढ़ापे की बात की जाए तो आपको बताना चाहेंगे कि योगिता बाली के बारे में सब जानते हैं कि किस तरह से योगिता बाली के लुक्स की बात होती है तो काफ़ी ज़्यादा योगिता बाली को बदलते हुए देखा है समय के साथ। कभी कितनी खूबसूरत दिखने वाली ये एक्ट्रेस इतनी बदल जाएगी, ऐसी दिखने लगेगी, वेट गेन करने के बाद इनका ये हाल हो जाएगा, किसी ने ये सोचा नहीं था, लेकिन आज इनका ये हाल हो गया है जिसके कारण योगिता बाली फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी दूर रहती हैं, इस लाइमलाइट से काफ़ी दूर रहती हैं। वही आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में योगिता बाली के बारे में कुछ और भी ख़ास बातें जो शायद आपको मालूम ना हो। देख रहे हैं आप योगिता कितनी ज़्यादा बदल चुकी हैं, अपने पति बच्चों के साथ रह रही हैं, सास बनने के बाद योगिता वाकई में और बदल चुकी हैं। 65 की उम्र की योगिता जो फॉर्मर इंडियन एक्ट्रेस हैं जो कि मिथुन संग शादी के बाद सिर्फ एक हाउस वाइफ बनकर रह रही हैं, 70 के दशक में और 80 के दशक में उन्होंने कई बड़ी फिल्में की। योगिता बाली की बात की जाए तो उनकी एक ही सिबलिंग है योगेश बाली, लेकिन वो ज़्यादातर घर के अंदर ही रहती हैं। बच्चों की बात की जाए तो योगिता की अपने
तीन बच्चे हैं और एक बच्चा उन्होंने गोद लिया है। महाक्षय चक्रवर्ती उनके बेटे हैं, उष्मय चक्रवर्ती उनके बच्चे हैं और नमाशी चक्रवर्ती। तीन बेटों के अलावा योगिता और मिथुन ने एक बेटी दिशानी चक्रवर्ती को गोद लिया और ऐसे इनके ज़िंदगी में चार बच्चे आए जिन्हें संभालने में योगिता की ज़िंदगी निकल गई। बेशक आखिरी बदला मेम साहब परवाना, ख्वाब और ओ बेवफा और नागिन जैसी फिल्मों में काम करने वाली योगिता आज इस हालत में है कि यकीनन पहचानना उन्हें काफ़ी कठिन है, क्योंकि योगिता कभी बहुत सुंदर दिखती थी और योगिता बाली आज 65 की उम्र में ऐसी दिखने लगी है कि यकीन नहीं होता। इतनी सिंपल, हमेशा मेकअप में रहने वाली योगिता, हमेशा सज धज कर रहने वाली योगिता, ग्लैमरस क्वीन योगिता बाली बुढ़ापे की उम्र में साज श्रृंगार मानो भूल ही चुकी है। उनकी बहू को देखेंगे आप तो बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस हैं, बहुत ही स्टाइलिश है, लेकिन योगिता स्टाइल ग्लैमर इन सब से काफ़ी दूर जा चुकी हैं। सिंपल साड़ी में वो खुद को ऐसे प्रेजेंट करती हैं। साड़ी में योगिता को देखकर लोग इसलिए भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो साड़ी भी कभी स्टाइल में नहीं पहनती। सिंपल प्रिंटेड साड़ी में जो अरबों की संपत्ति के मालकिन हैं, मिथुन की जीवन साथी हैं, वो ऐसे रहती हैं मानो उन्हें अब हाउसवाइफ बनकर एक नॉर्मल लाइफ ही जीना है। और उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाने के बाद फिल्मी दुनिया के कलाकारों के बीच जो पहचान बनाई, उससे फिल्मी दुनिया से दूर जाने के बाद फिल्मों की क्वीन की तरह रहना अब उन्हें पसंद नहीं, एक आम जिंदगी ही जीना चाहती है योगिता। ऐसे योगिता बाली के ज़िंदगी में आए ये बदलाव लोग देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ये बॉलीवुड की एक ज़माने की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी है, आज इस एक्ट्रेस का ये हाल देखकर लोग पहचान नहीं पाते। योगिता ऐसी हो गई हैं, इतनी बदल गई हैं, इतने स्टाइलिश योगिता को अब सवारना सजना तो छोड़िए, ढंग से फैशन में साड़ी पहनना भी पसंद नहीं है, सिंपल रहना वो पसंद करती हैं और कैमरा के सामने भी आने में उन्हें अब उतना ख़ास इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहा है। और ये सिलसिला बीते कई सालों से चल रहा है जब से वो माँ बनी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दर्शकों, आज हमने आपको योगिता बाली के बारे में बताया, रिपोर्ट्स क्या कहती है वो हमने आपको सुनाया और इसी के साथ साथ हमने आपको जानकारी दी। वाकई में वक्त के साथ योगिता बाली इतनी बदल जाएंगी ये तो किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन योगिता बाली वाकई बदल चुकी हैं। योगिता की जिंदगी वाकई काफी बदल चुकी है, योगिता खुद को पूरी तरह से बदल चुकी है, ये आप रिपोर्ट देखकर समझ गए होंगे, ये तस्वीरें देखकर समझ गए होंगे कि योगिता इस वक्त किस हाल में है। खैर, अपनी फेवरेट एक्ट्रेस योगिता की अगर आपने देखी है कोई फिल्म तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप योगिता के बारे में कुछ और जानना चाहें तो वो भी आप हमें लिखकर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आज इतना ही है, अब लेंगे आपसे इजाजत। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।